हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और एक आज आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि क्या करें इस चीज़ का। जब केले ऐसे ज़्यादा पक जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मैं क्या करती हूँ, मैं आपको आज ये इस मैंने ऐसे पके जब अगर केले ज़्यादा पक जाते हैं तो हमारे घर पर क्या करा जाता है इसका, तो मैं वही रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इन केलों को अच्छे से छील लेती हूँ। यहाँ पे 3 केले हैं मेरे पास, जैसे पक गए हैं, कोई खा नहीं रहा है, ज़्यादा पक गए हैं। तो अब इन जो पके हुए केले हैं इनको ऐसे छील के मैं रख देती हूँ यहाँ पे। ये 3 केले हैं, 3 केलों को मैं यहाँ पे अच्छे से ऐसे हाथ से मैश कर लेती हूँ। और अगर कभी कभी ना केलों में ऐसे बीज रहते हैं, या फिर जो एक बीज में ना ये ऐसा एक स्टेम जैसा रहता है, इसके अंदर जैसी डोरी जैसी रहती है, तो वो आपने हटा लेना है। ये जैसा रहता है डोरी जैसा बीच में, वो आपने हटा लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ से ही पूरा अच्छे से इसे मैश कर लिया है। एकदम बहुत अच्छे से मैश करना है। अगर आप हाथ से मैश नहीं करना चाहते तो जो मैशर होता है, आलू मैशर, वो यूज कर लीजिए, या फिर मिक्सी में एक बार घुमा लीजिए तो भी अच्छे से मैश हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें ले लेंगे यहाँ पे जो मैंने नारियल पीस के रखा, पीस के नहीं मैंने ग्रेट करके रखा है, ये नारियल ले लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा हाफ, जैसे हमारा पूरा नारियल होता है तो एक नारियल का जो हाफ हिस्सा है वो पूरा हाफ लेना है। और आपने इस केले के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एकदम अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे आटा। आटा यहाँ पे हमें जो बड़ा 2 टेबलस्पून है उतना देना है। मैंने ऐसा जो चम्मच होता है ये चम्मच से मैंने दिया है, तो आप हिसाब लगा लीजिए कितना, मैंने 1 कटोरी जितना आटा हमें देना है। और इसमें पानी वानी कुछ भी आपने ऐड नहीं करना है। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आटा मिक्स हो गया है, आटे के साथ हमें देना है सूजी। तो यहाँ पे जैसे 1 कटोरी आटा लिया है तो उसका 1/4 भाग हमें, जैसे 1/4 कप यहाँ पे सूजी दे देना है। इसमें सूजी हम दे रहे हैं सिर्फ ऊपर का जो क्रस्ट है वो अच्छा बने इसलिए, और कुछ नहीं। और अंदर तो ये एकदम नरम ही रहेगा, और ऊपर से क्रंची रहेगा और अंदर से नरम। अब इसके बाद इस टाइम पे आप लोग इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चीनी ऐड नहीं करनी है तो आप गुड़ यूज कर सकते हैं। मैं चीनी यूज करूंगी। तो यहाँ पे चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार दीजिए। क्या आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं, केला कितना मीठा है, उस हिसाब से आपने चीनी देना है इसमें। और साथ ही में चीनी को अच्छे से बैलेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा चुटकी भर नमक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये सूजी चीनी सब अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा जो हमारा खाने वाला सोडा है वो।
यहाँ पे सब पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसे ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे, जैसे हम वड़े पकौड़े ये सब फ्राई करते हैं उस तरह से। मैं इसे ढक देती हूँ। तो यहाँ पे 30 मिनट पूरे हो गए थे और यहाँ पे ये जो चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है और बैटर की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि एकदम पकोड़े जैसी हो गई, जैसे पकोड़ों के लिए हम लोग बेसन मिक्स करते हैं, बैटर बनाते हैं वैसे ही। तो अब यहाँ पे पकोड़े छोड़े जा रहे हैं, मम्मी ये कर रही हैं, पकोड़े बना रही है, क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा मैच देख रही थी। इंडिया का फाइनल था वर्ल्ड कप के लिए और हम लोग ने पहले ही हम लोग ने सोच रखा था कि क्या बनाए, कुछ तो मीठा बनना चाहिए। तो ये रेसिपी, हमने केले पड़े थे घर में पके हुए, तो क्या करा जाए उससे, तो बस ये पकौड़े बना लिए। एक सेलिब्रेशन तो बनता ही है इतने दिनों बाद, एक वर्ल्ड कप, मैंने वर्ल्ड कप जीता गया है इस वजह से भी, प्लस घर में केले पक भी रहे थे तो क्या किया जाए, तो हमने ये बना लिए। तो यहाँ पे मम्मी ने आस्ते आस्ते करके पकौड़े छोड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, एक वो गोल शेप ले लेता है और शेप भी अच्छा रहेगा और बनते भी अच्छे से है। तो अब इसे हम अच्छे से पकने देते हैं दोनों साइड, इसका कलर मैंने गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा दोनों साइड से, तब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये अभी अच्छे से फ्राई हो रहे है और अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में, क्योंकि वेद परेशान कर रहा था तो मम्मी उसे बाहर लेके गई है। तो अब यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया पकौड़ों में और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप इसे जैसे आटे के गुलगुले होते हैं, आप इसे केले के गुलगुले भी बोल सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और मैं इसे अब अच्छे से सर्व कर लूंगी एक प्लेट में। टिश्यू पेपर में मैंने इसे निकाल लिया है और अब यहाँ पे सर्व किया जा रहा है केले के गुलगुले। आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और रेसिपीज आजकल थोड़ी बहुत कम ज़्यादा आ रही है, परफेक्ट टाइम पे नहीं आ पा रही है क्योंकि घर पे गेस्ट आए हुए हैं इस वजह से। तो फिर मिलते हैं अगली अच्छी सी रेसिपी लेकर।